एवरीवन, वेलकम टू आईडीएलएस एकेडमी। हमारा आज का टॉपिक है प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन प्योरिफिकेशन। नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं। प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन प्योरिफिकेशन। इंट्रोडक्शन पे हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। पहले प्रोटीन एंटीजन्स आर की कंपोनेंट ऑफ प्रोफाइलैक्टिक वैक्सीन अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिसीजेस। ज़्यादातर ऐसे डिसीजेस जो इन्फेक्शियस होती हैं, उनका इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है, उनके लिए जो वैक्सीन्स बनाई जाती हैं उनमें प्रोटीन एंटीजन एक की कंपोनेंट होता है। ये प्रोटीन एंटीजन ही एक्सप्रेस करता है और इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बी सेल्स या टी सेल्स बने और एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हो और हमारे शरीर को इम्यूनिटी मिल सके। मोस्ट ऑफ दीज प्रोटीन एंटीजन्स आर करेंटली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम नेटिव और रिकॉम्बिनेंट हेटरोलोगस ऑर्गेनिजम्स। ज़्यादातर ये जो प्रोटीन एंटीजन्स होते हैं तो इनको या तो नेटिव या फिर रिकॉम्बिनेंट हेटरोलोगस ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस किया जाता है। एज अ सब यूनिट वैक्सीन प्रोडक्ट द टारगेट प्रोटीन मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स होस्ट सेल इम्प्योरिटीज सच एज होस्ट सेल प्रोटीन्स न्यूक्लिक एसिड्स एंड लिपिड्स। अगर वैक्सीन का प्योरिफिकेशन किया जा रहा है, जो सब यूनिट वैक्सीन प्रोडक्ट है इनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी की जा चुकी है प्रीवियस लेक्चर्स में कि सब यूनिट वैक्सीन्स क्या हैं। तो सब यूनिट वैक्सीन्स का प्योरिफिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आपने जो प्रोटीन सेपरेट की है, ऐसा तो नहीं है कि आपकी प्रोटीन आपकी जो वैक्सीन है उसके साथ साथ में जो होस्ट सेल है उसका भी पार्ट आ गया, उसकी भी प्रोटीन आ गई है, उसका डीएनए या आरएनए आ गया है, न्यूक्लिक एसिड जो कि है, या फिर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें लिपिड होता है, तो लिपिड का पार्ट तो नहीं आ गया। क्योंकि जो वैक्सीन है आप बॉडी में जब भेज रहे हैं तो एकदम प्योर फॉर्म में होनी चाहिए। अगर इसमें किसी भी तरीके की इम्प्योरिटी पाई जाती है तो ये आप बॉडी में नहीं भेज सकते, क्योंकि आप करने के लिए कुछ और भेजेंगे, ये करने कुछ और लगेगी। इफ इम्प्योरिटीज आर डिटेक्टेड दे मस्ट बी रिमूव्ड आइडेंटिफाइड और प्रूवन टू बी हार्मलेस। अगर इम्प्योरिटीज डिटेक्ट होती हैं वैक्सीन में तो उनको या तो रिमूव कर दिया जाना चाहिए या फिर उनका प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन हो और आइडेंटिफिकेशन के बाद में ये प्रूव किया जाए कि वो हार्मलेस हैं, कोई भी हार्म बॉडी में नहीं पहुंचाएंगी, तो उनको छोड़ा जा सकता है वैक्सीन के साथ में, नहीं तो उनको रिमूव करना कंपलसरी होता है। आप इम्प्योरिटी के साथ में वैक्सीन को नहीं दे सकते। प्योरिफिकेशन टेक्नोलॉजीज। प्योरिफिकेशन की टेक्नोलॉजीज क्या हैं कुछ देखेंगे हम। एप्लीकेशंस इन प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन प्योरिफिकेशन। प्योरिफिकेशन टेक्नोलॉजीज का वैक्सीन के प्योरिफिकेशन में क्या रोल है, क्या एप्लीकेशन है, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद आयनिक एक्सचेंजर। नाम से ही समझ में आ रहा है आयनिक एक्सचेंजर है ये, मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। सो आयनिक एक्सचेंजर्स आर सुटेबल फॉर ऑल थ्री स्टेप्स ऑफ प्रोटीन प्योरिफिकेशन। जो आयनिक एक्सचेंजर होते हैं वो प्रोटीन प्योरिफिकेशन के तीन स्टेप्स होते हैं, उन तीनों ही स्टेप्स के लिए सुटेबल माने जाते हैं। बाई चूजिंग डिफरेंट बफर्स विद स्पेसिफिक पीएच रेंज। एक बात और बताना चाहूँगी कि प्रोटीन प्योरिफिकेशन के स्टेप्स क्या क्या हैं, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में पढ़ाया है, तो एक बार उनको ज़रूर देख लीजिएगा। सो बाई चूजिंग डिफरेंट बफर्स विद स्पेसिफिक पीएच रेंजेस द सेम प्रोटीन कैन एड्सॉर्ब टू आइदर एनायन एक्सचेंजर दैट इज विच बाइंड्स नेगेटिव मॉलिक्यूल और कैटायन एक्सचेंजर्स विच बाइंड्स पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स। अगर डिफरेंट टाइप के बफर और स्पेसिफिक पीएच रेंज को सेलेक्ट किया जाता है, तो अगर ये
कोई प्रोटीन है, कोई एक पीएच पे ये निगेटिव चार्ज से बाइंड हो रही है, तो वहीं दूसरे पीएच पे ये पॉजिटिव चार्ज से भी बाइंड हो सकती है। इसके पास में ये प्रॉपर्टी होती है, और ये प्रॉपर्टी आती है ये डिफरेंट काइंड ऑफ बफर्स की वजह से और स्पेसिफिक पीएच रेंज की वजह से। जैसे जैसे पीएच का नेचर चेंज होता है, प्रोटीन्स का नेचर भी चेंज हो जाता है, फिर वो एनायन से या फिर कैटायन से बाइंड करने लगती हैं। एक यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट समझाना चाहूँगी, अगर पीएच है और ये है पीआई से ज़्यादा, पीएच मोर देन पीआई, आइसोइलेक्ट्रिक पीएच होता है, पीआई पे प्रोटीन पे चार्ज ज़ीरो हो जाता है, तो अगर पीएच ज़्यादा है तो ये प्रोटीन जो है वो निगेटिवली चार्ज होगी, और अगर ये निगेटिवली चार्ज है तो फिर ये पॉजिटिव से बाइंड करेगी। तो आप देखिए पीएच का रोल आया। वहीं अगर पीएच कम है पीआई से, यहीं पे मैं समझाती हूँ, अगर पीएच कम है और पीआई की वैल्यू ज़्यादा है, पीएच लेस देन पीआई, तो इस केस में क्या होता है, जो प्रोटीन होती है उस पर चार्ज आ जाता है पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज को एक्सचेंज करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है निगेटिव चार्ज की। तो प्रोटीन सेम है लेकिन अगर पीएच चेंज हो रहा है तो उसके साथ में इसका नेचर भी चेंज हो जा रहा है और इसकी बाइंडिंग कैपेबिलिटी भी बदल रही है। मोस्ट प्रोटीन प्योरिफिकेशन इज परफॉर्म्ड ऑन एनायन एक्सचेंज कॉलम्स। ज़्यादातर जो प्रोटीन प्योरिफिकेशन होते हैं ये एनायन एक्सचेंज कॉलम्स में परफॉर्म किए जाते हैं, बिकॉज मोस्ट प्रोटीन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड एट फिजियोलॉजिकल पीएच वैल्यूज। ज़्यादातर जो प्रोटीन्स होती हैं वो फिजियोलॉजिकल पीएच की रेंज ली जाती है 6 to 8। इस पीएच पे नेगेटिव चार्ज होती है और इन्हीं पीएच पे प्योरिफिकेशन स्टेप भी परफॉर्म किया जाता है, और ज़्यादातर इस प्योरिफिकेशन के लिए एनायन एक्सचेंज कॉलम्स का यूज़ किया जाता है। टू रिलीज द प्रोटीन्स इन द ऑर्डर ऑफ बाइंडिंग टेंसिटी टिनेसिटी वन कैन आइदर इंक्रीज द सॉल्ट कंसेंट्रेशन और चेंज द पीएच। अगर प्रोटीन्स को रिलीज करना है, अब जैसे यहाँ पे पॉजिटिव प्रोटीन थी, उसने निगेटिव चार्ज से बाइंड कर लिया, अब आपको प्रोटीन को प्योर कराना है, प्योर फॉर्म में सेपरेट करना है, तो आप क्या करेंगे, आप सॉल्ट कंसेंट्रेशन में अल्टरेशन करेंगे या फिर पीएच को चेंज करेंगे। जैसे ही पीएच चेंज होगा या सॉल्ट कंसेंट्रेशन चेंज होगा, इसका नेचर फिर से चेंज हो जाएगा, और जहाँ ये अट्रैक्ट हो रही थी, बाइंड कर रही थी, वहाँ पर ये सेपरेट होने लगेगी। हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस। हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस वो इंट्रैक्शंस होते हैं जो प्रोटीन के कन्फर्मेशन को बनाने में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन द इंटरमीडिएट प्योरिफिकेशन और पॉलिशिंग स्टेप ऑफ प्रोटीन प्योरिफिकेशन। हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस का बहुत ज़्यादा रोल होता है, क्योंकि जो प्रोटीन है बाइंडेड फॉर्म में है, इसके लिए सबसे ज़्यादा रोल होता है हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस का। तो अगर आप इसको प्योरीफाई कर रहे हैं तो उस स्टेप में भी आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल देखने को मिलेगा हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस का। इन इंट्रैक्शंस का यूज़ होता है इंटरमीडिएट प्योरीफिकेशन या फिर पॉलिशिंग स्टेप में, एंड नॉट ड्यूरिंग द इनिशियल कैप्चरिंग स्टेप। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है कि इनिशियल कैप्चरिंग स्टेप में इसका यूज़ नहीं किया जाता है। और यहाँ पे आप प्रोटीन प्योरिफिकेशन के स्टेप्स को भी देख सकते हैं, पहला है कैप्चरिंग स्टेप, दूसरा है इंटरमीडिएट प्योरिफिकेशन या पॉलिशिंग। दिस इज बिकॉज अ हाई सॉल्ट कंसेंट्रेशन इज रिक्वायर्ड टू एक्सपोज द हाइड्रोफोबिक रीजन ऑफ द प्रोटीन टू द सरफेस, एंड दिस इज यूजुअली अचीव्ड बाय एडिंग सॉल्ट डायरेक्टली टू द सैंपल। जो इंटरमीडिएट प्योरिफिकेशन है उसी टाइम पे हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ऐसा इसलिए क्योंकि हाइड्रोफोबिक रीजन जो होता है प्रोटीन का,
हाइड्रोफोबिक मतलब ऐसा रीजन जो आउटर सरफेस पे नहीं होता, ये अंदर साइड में रहता है, ये वाटर हीटिंग वाला पोर्शन होता है और ये वाटर से अवे रहता है। तो इस रीजन को, हाइड्रोफोबिक रीजन को प्रोटीन के सरफेस पे लाने के लिए सॉल्ट का एडिशन किया जाता है। और सॉल्ट के एडिशन, सॉल्ट कोई भी हो सकता है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड है या फिर अमोनिया सल्फेट है, इनको सैंपल में डायरेक्टली ऐड किया जाता है। तो उस ये स्टेप आप इनिशियल कैप्चरिंग स्टेप में नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे अगर डिनेचुरेशन हो गया प्रोटीन का तो उसको प्योरीफाई करने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं रह सकता। इसीलिए ये इंटरमीडिएट प्योरीफिकेशन या फिर पॉलिशिंग स्टेप में परफॉर्म किया जाता है। हाइड्रोजाइपेटाइट क्रोमैटोग्राफी। हाइड्रोजाइपेटाइट एडसॉर्बेंट इज अ फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। ये कैल्शियम फॉस्फेट का एक फॉर्म होता है, यूज्ड इन द क्रोमैटोग्राफिक सेपरेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स एंड इज कंसीडर्ड टू बी अ मिक्स्ड मोड आयन एक्सचेंज प्लस मेटल अफिनिटी एडसॉर्बेंट। जो हाइड्रोजाइपेटाइट क्रोमैटोग्राफी है, ये कैल्शियम फॉस्फेट एडसॉर्बेंट को यूज़ करता है क्रोमैटोग्राफिक सेपरेशन के लिए। और क्रोमैटोग्राफी होता क्या है, बायोमोलिक्यूल्स का या तो साइज़ या तो उनके मोलिकुलर वेट या फिर उनके चार्ज के बेस पे सेपरेशन किया जाता है। तो यहाँ पर भी मोलिक्यूल्स के सेपरेशन के लिए इस कैल्शियम फॉस्फेट को यूज़ किया जाता है, और इसको हम मिक्स्ड मोड या फिर आयन एक्सचेंज प्लस मेटल अफिनिटी एडसॉर्बेंट भी बोलते हैं। इट हैज़ प्रूवन टू बी एन इफेक्टिव प्योरिफिकेशन मैकेनिज्म इन अ वैरायटी ऑफ प्रोसेसेस। बहुत सारी प्रोसेसेस में ये एक बहुत इफेक्टिव प्योरिफिकेशन मैकेनिज्म है, प्रोवाइडिंग सेलेक्टिविटी एंड कॉम्प्लीमेंटरी टू मोर ट्रेडिशनल आयन एक्सचेंज टेक्निक्स। ये टेक्निक ऐसी है जो कि इफेक्टिव प्योरिफिकेशन कराने के साथ साथ बहुत सेलेक्टिव होती है और कॉम्प्लीमेंटरिटी प्रोवाइड करती है आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी की टेक्निक को। अब आते हैं साइज एक्सक्लूजन क्रोमैटोग्राफी। साइज एक्सक्लूजन के नाम से ही पता चलता है कि यहाँ पे साइज के बेस पे मॉलिक्यूल्स का सेपरेशन किया जाता है। Although size exclusion chromatography is commonly used in research laboratories for protein purification, ज़्यादातर इसको प्रोटीन के प्योरीफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, इट इज़ नॉट कंसिडर्ड अ मेथड ऑफ चॉइस इन लार्ज स्केल प्योरीफिकेशन ऑफ प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन्स। ये जो मेथड है, हालांकि लेबोरेटरीज में इसका ब्रॉड स्केल पे यूज़ होता है, लेकिन लार्ज स्केल प्योरीफिकेशन के लिए साइज एक्सक्लूजन क्रोमैटोग्राफी को अच्छा नहीं माना जाता है, पर्टिकुलरली एट द अर्ली कैप्चरिंग स्टेज, जो इनिशियल कैप्चरिंग स्टेज होती है, और द इंटरमीडिएट प्योरीफिकेशन स्टेप, खास करके इनिशियल कैप्चरिंग स्टेज पे या फिर इंटरमीडिएट प्योरीफिकेशन स्टेप पे साइज एक्सक्लूजन क्रोमैटोग्राफी का यूज़ नहीं किया जाता है, और ये यूज़ नहीं होता है लार्ज स्केल प्योरीफिकेशन में। This is mainly because of its limitation in capacity and resolution. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि size exclusion chromatography की limitations होती हैं, इसकी capacity limited है और इसका resolution limited होता है, एक limited limit तक ये चीज़ों को, molecules को separate कर पाती है। इसीलिए आप laboratory scale पर तो इसको अच्छे से use कर सकते हैं, लेकिन large scale purifications के लिए इसका use नहीं किया जाता। अब है अगली टेक्नोलॉजी, सस्पेंडेड एडसॉर्प्शन टेक्नोलॉजी। ऑल्दो द यूज ऑफ सस्पेंडेड एडसॉर्बेंट्स इन बायो प्रोसेसिंग हैज बीन नोन फॉर डिकेड्स। जो सस्पेंडेड एडसॉर्बेंट्स होते हैं, इनका यूज प्योरिफिकेशन के लिए बहुत लंबे समय से होता आ रहा है, but the true value of this simple technology has not been fully explored. अभी तक इस टेक्नोलॉजी की जो एक्चुअल वैल्यू है, इसका कितना ब्रॉड स्केल पे यूज़ किया जा सकता है,
अभी तक फुल्ली एक्सप्लोर नहीं किया जा सका है इसको। यूजिंग एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग क्रोमेटोग्राफिक एडसॉर्बेंट्स अवेलेबल इन द मार्केट इन कॉम्बिनेशन विद अ रिएक्शन कंटेनर्स सच एज वर्टिकल सिलेंडर और अ स्टायर्ड टैंक रिएक्टर प्रोडक्ट कैप्चर बाय एडसॉर्बेंट और डिसॉर्बेंट दैट इज एडसॉर्प्शन या डिसॉर्प्शन कैन बी अचीव्ड विदाउट एनी प्रायर क्लैरिफिकेशन स्टेप। ये एक ऐसी टेक्निक है और जो एग्जैक्ट जो एग्जिस्टिंग क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स हैं या जो एडसॉर्बेंट्स हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं, अगर उनको किसी भी वर्टिकल सिलेंडर जो कि रिएक्शन कंटेनर बोले जाते हैं या फिर स्टायर्ड टैंक रिएक्टर के साथ में कंबाइन करके यूज़ किया जाए तो जो प्रोडक्ट का कैप्चर होता है चाहे वो एडसॉर्प्शन डिसॉर्प्शन के द्वारा हो उसको किसी भी क्लेरिफिकेशन स्टेप को यूज़ किए बिना किया जा सकता है। मतलब आपको इसमें इस स्टेप को क्रोमेटोग्राफी को परफॉर्म करने से पहले किसी भी क्लेरिफिकेशन स्टेप को यूज़ नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट है एक्सपेंडेड बेड एडसॉर्प्शन। एज शोन इन फिगर द एक्सपेंडेड बेड एडसॉर्प्शन सिस्टम एसेंशियली कंसिस्ट ऑफ अ क्रोमेटोग्राफी कॉलम विच इज फेड इन एन अपफ्लो मोड एट अ फ्लो वेलोसिटी सफिशियंटली हाई टू कीप द एडसॉर्बेंट पार्टिकल्स फ्लोटिंग। एक्सपेंडेड बेड एडसॉर्प्शन में क्या होता है, सिस्टम में एक क्रोमेटोग्राफिक कॉलम होता है, आप देख सकते हैं कॉलम है, और इसमें फेड किया जाता है अप फ्लो मोड एट अ फ्लो वेलोसिटी सफिशियंटली हाई टू कीप द एडसॉर्बेंट पार्टिकल्स फ्लोटिंग। यहाँ पे पर्याप्त जो मात्रा होती है उसको अप फ्लो मोड में यहाँ से वेलोसिटी दी जाती है ताकि जो भी ये मॉलिक्यूल्स हैं ये सरफेस ये कहीं पे एडहेर होके ना रहें, ये मॉलिक्यूल हवा में रहें, एक कह सकते हैं कि फ्लोटिंग मेथड में रहें। सो प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेंडेड बेड एडसॉर्प्शन टेक्नोलॉजी, यहाँ पे पहली जो इमेज है इसको डिस्कस करते हैं। ये है सेडिमेंटेड एडसॉर्बेंट बिफोर स्टार्टअप। स्टार्टअप से पहले की आप इमेज देखिए, यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो फ्लोटिंग कंडीशन में नहीं है, वो एक सरफेस से धीरे धीरे एडहेर होते हुए दिख रहे हैं। सेकेंड इमेज शो करती है इक्विलिब्रेशन इन एक्सपेंडेड मोड। एक्सपेंडेड मोड में पार्टिकल्स कैसे इक्विलिब्रियम में हैं ये यहाँ पे पता चलता है। थर्ड इमेज है सैंपल एप्लीकेशन एंड वॉशिंग इन एक्सपेंडेड मोड। एक्सपेंडेड मोड में सैंपल कैसे इन पे अप्लाई किया जा रहा है और साथ में ये जो आपके जो एडसॉर्बेंट्स हैं इनकी वॉशिंग हो रही है ये दिखाया गया है। फोर्थ है टारगेट मॉलिक्यूल इल्यूशन इन पैक्ड और एक्सपेंडेड मोड, या तो पैक्ड या फिर ये पैक्ड मोड है ये एक्सपेंडेड मोड है, ये किसी भी मोड में टारगेट मॉलिक्यूल्स का इल्यूशन हो सकता है। रीजेनरेशन एंड क्लीनिंग इन प्लेस इन एक्सपेंडेड मोड, और एक्सपेंडेड मोड में रीजेनरेशन और क्लीनिंग बेस की होती है। तो इस तरीके से वर्क होता है कुछ एक्सपेंडेड बेड एडसॉर्प्शन का। नेक्स्ट है फ्लूडाइज्ड बेड एडसॉर्प्शन। फ्लूडाइज्ड बेड एडसॉर्प्शन इज इन पार्ट EBA एंड इन पार्ट एडसॉर्प्शन इन अ स्टायर्ड टैंक। दिस ये भी एक इन्हीं का पार्ट है जो हमने अभी तक पढ़ी है टेक्नोलॉजीज। दिस अप्रोच हैज़ बीन यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री फॉर मेनी इयर्स मेनली टू रिकवर एंटीबायोटिक्स फ्रॉम फर्मेंटेशन ब्रॉथ। जो फ्लूडाइज्ड बेड एडसॉर्प्शन है इसको ज़्यादातर फर्मेंटेशन ब्रॉथ से एंटीबायोटिक्स को रिकवर करने के लिए यूज़ किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक ही लाइन है, याद कर सकते हैं आप इसको और याद करके भी रखिएगा क्योंकि क्वेश्चंस भी इन्हीं जगह से आएंगे। अभी हमने पढ़ा था इससे पहले एक्सपेंडेड बेड एडसॉर्प्शन और अब हम पढ़ने वाले हैं स्टायर्ड टैंक एडसॉर्प्शन। इन दोनों के बीच में हमने पढ़ा फ्लूडाइज्ड बेड एडसॉर्प्शन जो कि इन्हीं दोनों का एक पार्ट है। सो अब बात करेंगे स्टायर्ड टैंक एडसॉर्प्शन की।
Stirred tank adsorption was used very early in bioprocessing for the recovery of biologics from crude extracts such as serum. जो stirred tank adsorption है इसको bioprocessing में बहुत पुराने समय से use किया जाता है biologics को recover करने के लिए. कहाँ से? जैसे कि serum है, कोई भी इसके अलावा crude extract हो सकता है, जहाँ से अगर biologics को कोई भी biological part को purify करना है तो उसके लिए stirred tank adsorption का use किया जाता है. Most of these processes were run in a batch adsorption mode. Stirred tank adsorption की जो processes होती हैं ज़्यादातर batch adsorption mode में होती हैं. While many of the product capture processes by stirred tank adsorption are still performed in batch mode. बहुत सी ऐसी processes भी हैं stirred tank adsorption की जो कि batch mode में ही perform की जाती हैं. इसके अलावा सेमी कंटिन्यूस ऑपरेशंस में भी अचीव्ड इजिली. इसमें सेमी कंटिन्यूस ऑपरेशंस को जो कि पूरे पूरे कंटिन्यूस प्रोसेस में आपने प्रोसेसेस पढ़ी होंगी बैच और कंटिन्यूस प्रोसेस, तो जो सेमी कंटिन्यूस होती है मतलब ना तो बैच प्रोसेस है ना तो कंटिन्यूस ऑपरेशन है, तो उनको भी इस मेथड से इजिली किया जा सकता है. एंड फ्रॉम अ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू by separation that is settling and sieving, या तो particles settle हो जाते हैं PPT form में हो जाते हैं that is precipitate बन जाता है, आप तो इसको अलग कर लेते हैं या फिर sieve कर लेते हैं. जैसे कि कोई भी चीज़ छानना बोलते हैं, आपने यहाँ से particles को छान लिया तो या तो settling या तो sieving से आप separation कर लेते हैं. of the spent feed fluids from the particulate adsorbents and replacement by new feed material. अब यहाँ पे आप सेटलिंग या सीविंग के द्वारा अपने जो आपको मॉलिक्यूल लेना है उसको सेपरेट कर लेते हैं और यहाँ पे नया मटेरियल डाल देते हैं उसकी जगह पे, पुराने मटेरियल की जगह पे, और अब उसका वही प्रोसेस होने लगता है. सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर. फॉलो करिए ITLS एकेडमी को ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडिंग इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप एंड लिंक्डइन. सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल ITLS एकेडमी को. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अगेन. लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल. फॉर एनी काइंड ऑफ हेल्प और क्वेरी यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन अवर हेल्पलाइन नंबर. थैंक यू वेरी मच एवरी वन. थैंक यू अगेन.